अच्छा दोस्तों, जुहेब अभी साहब जो हैं वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और छोटे थोड़े क्लिप में मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर हो जाते हैं ना अक्सर, तो और कुछ ये मतलब टॉपिक भी अलग है। तो अगला जो है ना हमारे पास जो टॉपिक है या हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है, जुहेब अभी साहब के काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं कमेंट करके भी पूछ रहे थे मुझसे, उनको ये बड़ा इश्तियाक है जानने का कि जो जेपीओ होता है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, क्या काम ये सर अंजाम देता है, इसकी अथॉरिटी क्या होती है, ये तमाम चीजें काइंडली हमारे साथ शेयर करें आप। जी, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एज अ ड्राइवर भी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, एज अ वायरलेस ऑपरेटर जो पूरे मतलब एक एरिया को कंट्रोल करता है, तो उसमें उनका बड़ा हाथ है। ठीक है, उसके अलावा सही एज अ सिक्योरिटी गार्ड, और यानी एज अ हर जगह जो है ना असिस्टेंट के तौर पे काम करता है। सही। तो अगर ये रोड पे हो मौजूद गाड़ियां वगैरह रोक सकता है, क्या इसकी अथॉरिटी होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें जी काइंडली। जी बिल्कुल, अब रोड पे होगा वो एज अ पेट्रोलिंग ऑफिसर ही काउंट होता है। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एज अ पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग ऑफिसर ही ऑफिसर वर्क करता है पेट्रोल ऑफिसर के साथ, सर। तो गाड़ियां जरूर चेक कर सकता है। बिल्कुल अच्छा, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लास्ट में एड्रेस कर रहे हैं, तो इसकी सैलरी के बारे में भी काइंडली बताएं कि सैलरी जो है वो जेपीओ की कितनी होती है। और सैलरी जी के हवाले से वही मोटरवे में बहुत अच्छा पैकेज है, सही तो स्टूडेंट्स ये भी सुन के हैरान होंगे कि इतना अच्छा पैकेज और इतने छोटे स्केल पे, यानी 7 स्केल के ऊपर मोटरवे पुलिस सिक्सटी राउंड राउंड अबाउट अबाउट सिक्सटी स्टार्टिंग आपकी सिक्सटी स्टार्टिंग है, सैलरी जो है वो 60 होगी। तो यानी कि यानी अगले 5-7 साल में वो सैलरी बढ़ती जाएगी, और जब वो जी जी प्रमोट हो बिल्कुल, जाएगा 9 स्केल पे जैसे कि आपने पहले बताया, हाँ, तो वो फिर और ज्यादा इस तरह बढ़ बिल्कुल जाएगी। वो तो होनी है, जाहिर बात है प्रमोशन के साथ तो सैलरी बढ़ती है। सही तो ये एक बहुत अच्छी और हैंडसम सैलरी है, यानी स्टार्टिंग सैलरी 60,000। सही। अच्छा ये तो चलो सैलरी होगी, इसके अलावा भी कोई बेनिफिट है आपको मोटरवे में, कोई रिवार्ड, कोई इस तरह की कोई चीज है तो काइंडली बताएं। नहीं, उसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, और सारी बहुत सारी पुलिसीज हैं मोटरवे में जो ऐसा दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होगी, काफ़ी सारी पुलिसीज हैं इधर ना। स्कॉलरशिप्स हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो क्या कोई कहते स्कॉलरशिप हैं वाली उसके कोई है एनुअल लोन्स भी हैं। अगर सही स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो लास्ट टाइम आईजी साहब जो थे ना, उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था इस पे कि जो अब एक तो है ना कि बच्चों को मिलता है, कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप उन्हें मिल रहा है, एक स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है, सही यानी अगर वो मास्टर करता है, यानी इधर रहते हुए अगर जेपीओ है तो जेपीओ एफएससी भी आता है, और इधर रह के बीए बीएससी करता है और उसमें फर्स्ट डिवीजन लेता है, तो उधर उसे भी स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर वो मास्टर्स करता है उसे फिर दोबारा से स्कॉलरशिप मिलती है, ये तो तो बड़ी ये एक जबरदस्त बात है। बहुत अच्छा बेनिफिट है इसके अच्छा लिए। ये तो जेपीओ की होगी, और यूडीसी एलडीसी वगैरह की भी सैलरी बता दें सेम कोई। टू सेम इनके लिए भी ऐसे ही है, यूडीसी और एलडीसी, क्योंकि स्केल बड़ा है इनका, एलडीसी का 11वां स्केल है, तो इनकी राउंड अबाउट 65, और यूडीसी जो है इसका स्केल 13 है, तो इसकी भी 75+ सैलरी है, असिस्टेंट की भी 85+ सैलरी है। सही चलें, ये सैलरी वाला भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका पैकेज है, तो बाकी बातें और वीडियो में डिस्कस करते हैं।